नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। तो उपचुनाव के रण में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। दरअसल देश के हाल ही में हुए 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था जिसके नतीजे आज आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट के रुझान जो है वो भी अब सामने आने लगे हैं। यूपी की दोनों सीटों पर सपा और बीजेपी में कांटे की टक्कर चल रही है। आपको बता दें कि यूपी की रामपुर और आजमगढ़ सीट इसी साल विधानसभा चुनाव के बाद खाली हुई थी। यूपी की आजमगढ़ से अखिलेश यादव और रामपुर सीट से आजम खान ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। गौर हो कि रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट को यूं तो सपा की परंपरागत सीट माना कहा गया है। 2014 और 2019 की मोदी लहर में भी इन सीटों पर सपा का वर्चस्व कायम रहा था। इस बार भी 2022 में रामपुर और आजमगढ़ सीट पर हो रहे उपचुनाव में सपा ने अपना कब्जा बरकरार रखने में पूरी ताकत झोंकी है। वहीं बीजेपी ने भी सेंध लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपको बता दें कि बीजेपी ने रामपुर में घनश्याम लोधी को प्रत्याशी बनाया है। लोधी सपा से विधान परिषद सदस्य रहे हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले ही सपा छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। वहीं सपा ने रामपुर में आजम के करीबी आसिम रजा को प्रत्याशी बनाया है। इधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई आजमगढ़ सीट को भी पार्टी ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है। सपा ने इस सीट से धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं बीजेपी ने आजमगढ़ सीट पर भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ को दूसरी बार उम्मीदवार बनाया है। तो अभी फिलहाल इस सीट पर पूरे तरीके से जो मतगणना है वो जारी है और अगर देखा जाए तो आजमगढ़ सीट पर कांटे की टक्कर चल रही है। फिलहाल निरहुआ जो है वो लगभग आगे चल रहे हैं, इससे पहले सपा जो है वो आगे चल रही थी। चले तो जिस तरीके से अभी उपचुनाव का रण देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो नतीजों का दिन आज है इसमें अभी हमने आपको तमाम बड़ी खबरें बताई जिसमें ये साफ हो गया है कि आज की जो तस्वीर है वो जो आज साफ होने वाली है उसमें धीरे धीरे रुझान बीजेपी की ओर जा रहे हैं और दोनों ही समाजवादी पार्टी के परंपरागत सीटें हैं और दोनों ही सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। आपको बता दें कि रामपुर में घनश्याम लोधी को प्रत्याशी बनाया गया है बीजेपी की ओर से। आपको बता दें कि लोधी इससे पहले सपा से विधानसभा परिषद सदस्य है इस समय और पहले भी सपा के कार्यकर्ता रह चुके हैं, सपा के नेता रह चुके हैं और विधानसभा चुनावों से पहले ही उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। और वहीं रामपुर में आजम के करीबी असीम रजा को जहाँ समाजवादी पार्टी ने उतारा है, तो इधर बीजेपी ने आजमगढ़ सीट से भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ को दूसरी बार उम्मीदवार बनाया है। और अभी बीजेपी के दोनों ही उम्मीदवार लगभग आगे चल रहे हैं और दोनों की ही ये कवायद जारी है कि किस तरीके से बीजेपी के गढ़ में जो सेंधमारी की कोशिश है, जो सेंधमारी की गई थी वो पूरी की जा सके, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर पुरजोर प्रचार किया है और इसी प्रचार के बीच ये कहा जा सकता है कि ये जो सीटें हैं इस पर ये देखना काफ़ी अहम होगा कि ये सीटें किसके पक्ष में आती है। अभी आपको बता दें कि दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, लेकिन जैसे विधानसभा चुनाव हुए एक सीट से आजम खान और दूसरी सीट से अखिलेश यादव दोनों यहाँ पर सांसद थे, दोनों ने ही सांसद की जो सीट है इससे इस्तीफा दिया, यहाँ से लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया और विधानसभा में वो गए। तो फिलहाल इसीलिए ये सीटें खाली हुई और ये सीटें खाली होने के बाद दोबारा यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। अब देखना होगा कि इन उपचुनावों की तस्वीर में कौन यहाँ पर बाजी मारता है और इस उपचुनाव के रण में कौन अपना प्रण पूरा करता है। तो आपको बता दें कि आज जो ये सीटें हैं इस पर दोनों ही सीटों पर कांटे की टक्कर चल रही है। अभी रामपुर की बात करें तो बीजेपी फिलहाल यहां से आगे चल रही है, आजमगढ़ से इस सीट से भी बीजेपी आगे चल रही है। आजमगढ़ की बात करें तो यहां पर कांटे की टक्कर है और आजमगढ़ में सबसे ज़्यादा ये जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि कांटे की टक्कर हो सकती है और फिलहाल अभी दोनों सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है, चाहे वो रामपुर हो या फिर आजमगढ़ सीट हो। आपको बता दें कि चलिए तो फिलहाल जिस तरीके से उपचुनाव का रण है इसमें तैयारियां दोनों पार्टियों ने बढ़ चढ़कर की थी और इस बार कौन क्या तस्वीर साफ होगी ये देखना है होगा। फिलहाल इस पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आलोक वत्स जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, मनोज यादव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं और सर्वेश्वर पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले
आलोक वसजयापी के पास आना चाहूंगी। दोनों ही सीटों से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, किस तरीके से देख रहे हैं बीजेपी? देखिए मुस्कान जी, मैंने पहले भी कहा था, अब उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रगति के लिए, अभिमान के लिए, भयमुक्त वातावरण में जीने के लिए योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में इस बार करवट बदली गया, और ये करवट बदलने की कवायद है कि हम लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और मैं विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे दोनों प्रत्याशी तिरहुआ और लोधी प्रचंड बहुमत से दोनों जगह से विजयी होने जा रहे हैं। अब इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि प्रगति की आंधी में और सारे जातिवाद, धर्म, ये सारे चीज हवा में उड़ा दिए गए। अब सिर्फ लोग अमन चैन चाहते हैं और प्रगति चाहते हैं, जिसके द्योतक योगी और मोदी जी हैं। ठीक है, अमन चैन चाहते हैं लोग मनोज यादव जी, इसलिए बीजेपी को बढ़त मिल रही है यहाँ से। समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, दोनों सीटों पर बीजेपी आगे? अभी कई राउंड की गिनती बची हुई है और जब तक राउंड की गिनती ना हो जाए, फाइनल परिणाम ना आ जाए, तब तक ये सारी बातें कई काल से अत्युक्ति के रूप में और ये जल्दबाजी कही जाएगी कि किसी भी दल के लगातार 10 से 15 राउंड तक समाजवादी पार्टी ने बढ़त बना के रखी। 15,000-17,000 की हमारी लीड हो गई, उसके बावजूद भी हमारी लीड तो ज्यादा उथलापन मेरे ख्याल से अभी बोलना उचित नहीं होगा। समाजवादी पार्टी अंतिम परिणाम का इंतजार कर रही है और उत्तर प्रदेश कितना खुशहाल हो गया, ये उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर, उत्तर प्रदेश के दंगे, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अराजकता है, ये सब जनता है उत्तर प्रदेश की किस तरह प्रतिक्रिया है। उत्तर के रास्ते ये है अगर कोई हत्या होती है कहीं पे किसी कारण से, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको कहती है कि उसको पबजी की वजह से बेटे ने माँ की हत्या कर दी। क्या रीजन है, उस रीजन को छुपा लिया जाता है, किस लिए है? ये बीजेपी और बीजेपी के प्रशासन, पुलिस और व्यवस्था को बताना पड़ेगा। ये सारी चीजें जनता नोटिस कर रही है कि सरकार मोटा कुछ है और सरकार बताती कुछ है। ये सारी चीजें जनता धीरे धीरे महसूस कर रही है और ये अभी भी समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वासित है कि इन दोनों लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी पहले से काबिज थी और इस उपचुनाव में भी काबिज रहेगी। हमें कोई हताशा, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है जब तक कि परिणाम आ नहीं जाता। ठीक है, सर्वेश्वर पाठक जी, क्या समीकरण देख रहे हैं आप इन सीटों पर? समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है दोनों सीटें और दोनों ही सीटों से समाजवादी पार्टी के दिग्गजों ने, दिग्गजों के छोड़ने से खाली हुई है अखिलेश यादव और आजम खान। दोनों दिग्गजों ने जब छोड़ी है यहाँ पर सीट, विधानसभा वो गए, उसके बाद ये सीटें खाली हुई। अब ये भी कहा जा रहा है कि दोनों ही जो दिग्गज है उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, क्या समीकरण बनते देख रहे हैं आप? इसमें कोई गारंटी नहीं कि दोनों दिग्गज की प्रतिष्ठा दांव पे है। आजम खान ने 10 खास तक चुनाव प्रचार भी किया लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी तो वहां आए भी नहीं। दूसरी ओर निरहुआ जो 2020 में भी चुनाव लड़े थे अखिलेश यादव जी के खिलाफ और वो तब से हार गए उनसे, तब से वो लगातार वहां पे बने हुए हैं आजमगढ़ में, तो उसका असर देखने को ये मिल रहा है कि कांटे की टक्कर दे रहे हैं। यादव जी, तो ये ट्रेंड हो सकता है बरकरार रहे, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव जी अगर खुद मैदान में रहते तो उनकी बात अलग थी, क्योंकि MY समीकरण के कारण सारा वोट उनको जाता। लेकिन प्रदेश की जनता सब जानती है, अभी अभी विधानसभा चुनाव हुआ, अभी मनोज यादव जी ने भाजपा पे इतने सारे आरोप लगाए प्रदेश की सरकार पे कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है, ये है वो है। देखिए आपको बता दूं कि इस लॉ एंड ऑर्डर के कारण ही 2022 में जो चुनाव हुए हैं उसमें महिला मतदाता ने योगी जी को वापस चुना है और योगी जी ने रिकॉर्ड बनाया है यूपी में, ये भी आप जान लीजिए। और अभी तुरंत आप चुनाव हार के आए हैं, तुरंत छींटाकशी प्रत्याशी ये करना शुरू कर दे, तो ये मुझे नहीं लगता कि एक जायज है।
चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। सर्वेश्वर पाठक जी अपनी बात पूरी करें। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए आप का समाचार सुनाया है पंजाब में भी है, वही पंजाब की सड़क बता रही है और जितने के प्रकार के है वही पंजाब में अकाली दल से पीछे चल रहे हैं। तो एक चुनाव है, जनता अलग अलग फैसला लेती है, बीजेपी चाहे लाख कोशिश करती है लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी गलती होती है उसी के चुनाव में मैंने देखा है कि वो कैंडिडेट का ऐलान जो है नामांकन की अगर तारीख ऐलान मतलब ऐलान हो गया है उसके बाद करती है। पता नहीं क्यों ऐसा रुख अख्तियार किए हुए रहती है बीजेपी, ये मुझे समझ में नहीं आता है। जब दिल्ली का पूर्ण चुनाव हुआ था तब पर भी ऐसा ही काम किया था, तो उनका खामियाजा कहीं ना कहीं तो भुगतना पड़ेगा। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो दुर्गेश पाठक को पहले ही उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि यहाँ से राजेंद्र नगर से सीट से दुर्गेश पाठक उनके उम्मीदवार होंगे। रही बात यूपी की बात जो मैं कह रहा था और बता रहा था कि माननीय मनोज जी बोल रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर ये ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। देखिए आप चुनाव में थे पूरे दमखम के साथ, पूरे जोर लगा के आपने चुनाव लड़ा और अपने सीट में इजाफा किया, लेकिन आप सत्ता में वापसी नहीं कर पाए क्योंकि जनता ने आपको नकार दिया। और जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, इस 2022 के यूपी के चुनाव में महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वो सारा का सारा वोट योगी जी पे दिया है लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के लिए। तो आपका ये आरोप लगाना निराधार है, निरर्थक है। ठीक है, मनोज यादव जी कुछ कहना चाह रहे थे, यादव साहब अपनी बात रखें। उसका अपना विश्लेषण हो सकता है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा है और उस मुद्दे से तमाम सारी चीजें तमाम घटनाएं सामने आती हैं, तो एक सजग और एक जागरूक और एक जो हमारा संवैधानिक ढांचा है उसके तहत जो हमें ताकत मिली है उसके तहत हमें आवाज उठाने का पूरा हक है और हम आवाज उठाएंगे। अब राजनीतिक विश्लेषक हो, कोई वरिष्ठ पत्रकार हो, वो अगर जाके चरणवंदना करने लगे सरकार की और उसको ना दिखे कुछ आसावन कांधा हो जाए तो उसके लिए समाजवादी पार्टी कोई टिप्पणी करना पसंद नहीं करती है। घटना छोटी हो बड़ी हो, घटना कम हो ज्यादा हो, लॉ एंड ऑर्डर पर विषय है और अगर हम उठाते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है कि हम विपक्ष की अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूर्णता अक्षरता कर रहे हैं। हम वो नहीं है कि हम अपने घोषणे फेंक दें, हम माई बाप समझ लें सरकार को, हम सरकार ही सरकार समझ लें, ये वाली सारी चीजें समाजवादी पार्टी मेरे ख्याल से पक्ष और विपक्ष दोनों स्थितियों में रहना बिल्कुल उचित नहीं समझती। अगर हम सत्ता में हैं, मीडिया को पूरी आजादी देते हैं कि आप पूरे सवाल पूछो, आप यथास्थिति जो है उसको बताओ दिखाओ, चलिए ठीक है। और आलोक वज आपके पास आना चाहूंगे क्योंकि बीजेपी जो है वो लगातार बढ़त बनाए हुए है और सपा के गढ़ में सेंधमारी हो रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि यहाँ पर उनकी जीत होगी, हालांकि वो कह रहे हैं कि नतीजों के लिए उत्साहित नहीं है वो, अभी तक जो नतीजे साफ होंगे वो देखे जाएंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप पर सवाल उठा रही है समाजवादी पार्टी। देखिए खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, ये अपनी हार कबूल कर चुके हैं और ये तरह तरह के बहाने बना रहे हैं कि वोट नहीं करने दिया गया, रोका गया और इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। तब तक कहीं कोई बात नहीं है, वजूद नहीं है। आजमगढ़ की जनता और रामपुर की जनता ने मन बना लिया था किसको वोट करना है और उन्होंने प्रगति अमन चैन शांति और के लिए वोट किया है। योगी जी के नेतृत्व में हम प्रचंड बहुमत से दोनों सीटें जीतने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर सवाल उठाए जा रहे हैं वो भी बता दें। जितने भी गुंडे मोवाली बदमाश थे वो सब या जेल के अंदर है या पलायन कर चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश में कहीं कोई इस तरीके की संभावना नहीं दिख रही है। चलिए ठीक है यादव साहब, आलोक वर्ष जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं कोई ऐसी संभावना नहीं है, जो भी इस तरीके के लोग थे, ऐसी प्रवृत्ति के लोग थे, उनको जेल के पीछे पहुंचा दिया गया है। देखिए समाजवादी पार्टी घटना को अच्छा सा बात करने को विश्वास रखती है, हवा में इस बात को कहने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती की कोई घटना नहीं घट रही है। कानपुर का धंधा किसी से छुपा नहीं है, किस तरीके से पूरी तरीके से शासन प्रशासन फेल हो गया,
गाजीपुर की घटना हो, बाराबंकी की घटना हो, इस तरह से कई दर्जन। इसके बाद जो ये अग्निपथ और अग्निवीर आई, उसमें किस तरीके से उत्तर प्रदेश में घटनाक्रम हुआ ये किसी से छुपा नहीं है। हत्याएं, बलात्कार, लूट, ये सारी घटनाएं लगातार है। अभी एक हाल ही में 2 दिन पहले की घटना है कि एक सर्राफा व्यापारी की दुकान से 14 लाख रुपए की लूट कर ली थी। ये सारी घटनाएं अगर इन लोगों को नहीं दिखती है और इसको लॉ एंड ऑर्डर के, लेकिन यादव साहब एक बात ये भी तो है ना, देखिए ये जो घटनाएं हैं वो पहले से बहुत कम हुई है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम किसी भी अपराध को आप 0% कर देंगे, ये संभव नहीं है, ये आप भी जानते हैं बेहतर तरीके से। लेकिन पहले से बहुत ज्यादा स्थिति में सुधार हुआ है, और अगर नहीं हुआ होता, और अगर सुधार नहीं हुआ होता तो अभी जो घटनाएं दिख रही है ना आपको, ये आपको इससे डबल ट्रिपल मिलती। नहीं, अगर आपके पास कोई एमपी आर्य पाठक साहब है वो आप प्रस्तुत कर रही है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो समाजवादी पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एनसीआरबी का डाटा प्रस्तुत कर रही है और जो लगातार उन उसमें आंकड़े की बढ़ोतरी होती नजर आ रही है, अगर वो बात है तो वो एक बात है। अगर आप कोई, आपका चैनल कोई डाटा प्रस्तुत कर रहा है कि नहीं इनमें लगातार घटनाक्रम घटनाएं कम हुई है तो हो सकता है वो एनबी न्यूज का अपना डाटा हो। वैसे जो एनबी न्यूज आपको कोई डाटा नहीं दे रहा मनोज यादव जी, डाटा एनसीआरबी का ही हम भी देख रहे हैं, लेकिन बात यह है कि पहले से बहुत ज्यादा स्थितियां सुधारी गई है। अब आप ये बात मानिए चाहे ना मानिए, आप ये बात मानिए चाहे ना मानिए, वो तो देखिए विरोधी पक्ष कभी मानेगा ही नहीं, विरोधी तो कभी मानेंगे ही नहीं, वो अलग बात है। ठीक है, आ रही हूँ मैं आपके पास। सर्वेश्वर पाठक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पाठक साहब। देखिए मुस्कान जी, यादव जी को मैंने कुछ बोला तो उन्होंने मुझ पे आरोप लगा दिया, आपने कहा तो आपके एनबी चैनल पे आरोप लगा दिया। यादव जी एनसीआरबी डाटा देता है, यह आपको भी पता है। अभी अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का आंकलन किया जाए, ठीक है, ये छिटपुट घटनाएं हो रही है, ये भी एक अभिशाप है बीजेपी सरकार पे। आखिर जब सरकार कहती है कि हम इतने अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं तो फिर ये घटना क्यों हो रही है इसको भी। लेकिन अगर कोई घटना हो रही है तो तुरंत संज्ञान में लेके उस पर कार्रवाई भी हो रही है। और अगर कंपैरिजन किया जाए आपका जो शासन था 12 से 17 का और जो बीजेपी का शासन है उसमें आप अगर कंपैरिजन करोगे तो आप पाओगे कि जो घटनाएं हैं उसमें आपके सरकार जब थी तब के मुकाबले में जमीन आसमान का अंतर है। कोई भी सरकार हो वो घटना जो है उसको कम नहीं कर सकती है, ये अपराध की घटनाएं होंगी लेकिन उसमें कमी ला सकती है। 0% जो घटना, ये मैं नहीं मानता कि कोई भी सरकार इसको कम कर सकती है। लेकिन अगर आपको आईना दिखाया जाता है तो आप पत्रकार से ही उंगली उठाते हो। चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। उपचुनाव के रण में बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। पाठक साहब अपनी बात पूरी करें। वही मैं कह रहा था यादव जी को कि देखिए यादव जी, आप एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में अगर होते तो यूपी में, अगर आप कह रहे हैं ये जो लूटपाट की घटना बढ़ी है या हुई है उसमें आप सरकार को घेरिए। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो जब आपकी सरकार थी और जब बीजेपी की सरकार है उसमें लॉ एंड ऑर्डर का जो हिसाब किताब है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप मुझ पर जितने पर्सनल आरोप प्रत्यारोप लगा ले या एएनबी चैनल पे, डाटा एनसीआरबी देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डेटा में जो एनसीआरबी का आया था 2021 का वो बता दो, यूपी का दूसरा नंबर था, राजस्थान पहले नंबर पे था, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे था। लेकिन घटनाएं की कमी आ रही है मुस्कान जी, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर घटना होती है तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाती है। आपके सरकार में तो वो भी कार्रवाई नहीं होती। महिलाएं और लड़कियां अपना स्कूल कॉलेज जाने से डरती थी, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं यादव जी? चाहे आप अभी जाके सर्वे करवा लीजिए। एएनबी चैनल पे आप आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगा रहे हैं, मैं आपके साथ फील्ड में चलने को तैयार हूँ और सर्वे करने को तैयार हूँ, क्योंकि आप अभी चुनाव हार गए फिर भी वही रोना ठिकरा फोड़ना। आप एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाइए, वो बहुत अच्छी बात है, वो लोकतंत्र की ताकत है। लेकिन आप वो करने से डरते हैं या वो कर नहीं पाते हैं। मनोज यादव जी, जी निश्चित तौर पे विपक्ष को जिस तरीके से आईना दिखाने का काम किया जा रहा है ये एक नया चलन है और नया ट्रेंड है, और इसके लिए हम उन घुटने पे बैठे लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी देंगे कि आप विपक्ष को आईना दिखाते हैं।
देखिए हमारा काम है दोनों को आईना दिखाना, यादव साहब हमारा काम है दोनों को आईना दिखाना। अब अगर आप अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर ये बैठे हैं कि सिर्फ आपको आईना दिखाया जा रहा है तो ये आपकी गलत फहमी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुझे मुझे नुकसान नहीं, मेरी बात कह लेंगे कहिए। मैं वो सवाल कर रहा हूँ जो सवाल बनता, क्या अगर आपराधिक आंकड़े हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय कह रहे हैं, क्या वो मुझे बता सकते हैं कि 2012 से लेकर 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े का बढ़ोतरी क्या थी और 2017 से लेकर 2022 तक क्या थी, ये बात बतानी पड़ेगी। आंकड़े के तौर पर तो बताता हूँ ना आपको, तो मैंने बताया नहीं कि 2012 से 17 में आपके दंगे ही दंगे, दंगे ही दंगे हुए मुजफ्फरनगर का। सुन लीजिए पाठक साहब, एक बार सुन लीजिए पाठक साहब, सुन लीजिए मैं आ रही हूँ आपके पास। मैं आपको मुस्कान जी फिर बताना, बहुत ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, अगर कोई आंकड़ा प्रस्तुत किया जा रहा है पाठक जी की तरफ से तो वो आंकड़े रखे और उसकी पुष्टि एनबी न्यूज चैनल करे कि हाँ ये आंकड़े बिल्कुल सत्य हैं, तब इस बहस पे बात की जा सकती है। आज के चुनाव के मद्देनजर बहस शुरू हुई और बीजेपी के नेता ने कहा इस बात को कि लॉ एंड व्यवस्था है, उससे समाजवादी पार्टी ने रिएक्ट किया। अगर उस रिएक्ट को मुद्दा बनाना है तो निश्चित तौर पर स्वागत है, हम उस मुद्दे से लड़ने के लिए तैयार हैं। जनता ने जो हमें मैंडेट दिया है उसके आधार पे हम सवाल पूछेंगे, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, सड़क हो, संसद हो, हर जगह हम मजबूती से पूछेंगे। हम किसी के पाप से, किसी की सरकार से डरते नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट और साफ है। और हम ना तो अंग्रेजों की गुलामी किए थे उस गुलाम भारत में और ना आज इस आजाद भारत में किसी सरकार के दम के नीचे दब के रहे हैं। हम जो आपको गुलामी करने को कह बोल रहा है यादव साहब, आपको गुलामी करने को कह कौन रहा है यादव साहब, आप पहले तो ये बताइए कौन कह रहे हैं आपको आप गुलामी करिए, कौन कह रहे हैं आपको आप गुलामी करिए। आप आइए ना सरकार में, आप आइए ना अपना दम दिखाकर सरकार में, आपको कौन कह रहा है आप गुलामी करिए। और बार बार चैनल पर इस तरीके से उंगली उठाने की जरूरत नहीं है आपको, आंकड़े आप भी एनसीआरबी के दे रहे हैं और आंकड़े हम भी वही दे रहे हैं। बार बार इस तरीके की बातें करेंगे तो ये डिबेट सही नहीं जाएगी। फिर मैं बड़ी माफी के साथ ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जिसकी हैसियत हो पूछे सरकार से सवाल, जिसकी ना हैसियत हो ना पूछे, जिसको डर लगता हो ना पूछे, वो चापलूसी करे सरकार की। कौन कर रहा है चापलूसी बताइए, आप पहली बार मेरी डिबेट में बैठे होंगे यादव साहब, इसीलिए आप ये बात कह रहे हैं। पूछ लीजिए पाठक साहब से, हमेशा वो बैठे और हमेशा आलोचना किया बीजेपी की। मैंने हमेशा जहाँ बीजेपी गलत हुई वहाँ बीजेपी की आलोचना हुई है, लेकिन जहाँ आप गलत है वहाँ आपकी आलोचना होगी। अगर आपको आलोचना बर्दाश्त नहीं है तो बेशक इस डिबेट में मत बैठिए, ठीक है आलोक वस्ती। मैं पाठक जी से कह रहा हूँ कि पाठक जी विपक्ष रहे मैंने यादव जी मैंने पहले ही आपने कहा बेटा की बात की, मैंने बेटा की बात कर रहे हैं ना, बेटा की बात कर रहे हैं ना, ठीक है आ रही आपके पास बेटा लेकर ही आ रही हूँ, आप रुकिए यादव साहब बेटा लेकर आ रही हूँ आपके पास, पाठक साहब आ रही हूँ आपके पास, पाठक साहब ठीक है यादव साहब ठीक है पाठक साहब, अगर आपको आंकड़े आप बताइए अगर एक रोज से पहले एक बार व्हाट्सएप के पास मैं जाना चाहूंगी, उसके बाद आंकड़े लेकर आऊंगी मैं आपके पास। आलोक वस जी सीधे तौर पर आपसे ये सवाल पूछा गया है कि अगर कानून व्यवस्था सही है तो आखिर ये कानपुर हिंसा क्यों हुई, क्यों अलग अलग तरीके से हिंसा हुई, ये पबजी वाला हत्याकांड जो हुआ ये क्यों हुआ, फिर बता दीजिए जल्दी से जवाब आपको देना पड़ेगा। आलोक वस जी आप ही से सवाल है मेरा, क्या पूछा था आपने, मुझे लग रहा है आप डिबेट में एक्टिव नहीं है। नहीं जरा एक बार रिपीट करिए, थोड़ी आवाज कम आई। सवाल ये है कि बार बार यादव साहब एक सवाल कर रहे हैं आपसे, कानपुर अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो पूरी बेहतर है उत्तर प्रदेश में तो कानपुर की हिंसा क्यों हुई, पबजी हत्याकांड क्यों हुआ, क्यों वहां पर एक बच्चे को अपनी मां का हत्यारा बता दिया गया, ये पूछ रहा है यादव साहब आपसे। देखिए यादव साहब यानी बिल्ली खम्बा लोची, इनको कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि अब यूपी में लॉ एंड ऑर्डर इनके समय से बेहतर नहीं है। अगर ये ऐसा नहीं महसूस कर रहे हैं तो पूरी देश की महिलाओं ने, पूरे प्रदेश की महिलाओं ने जमकर योगी जी के पक्ष में वोट दिया, मात्र इसलिए कि उनको आजाद और बिल्कुल सुरक्षा में जीने का मौका मिला। जो चौक चौराहे पे शाम को निकल नहीं पाती थी, देख नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, आज उसकी बिल्कुल सुरक्षित माहौल में जी रहा है
और जो कोई भी गलत करेगा उसके ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। और जहां भी कानपुर में भी जो हुआ, जो आपने पकड़ा गया, उसके कितने तार निकले, कहां कहां से संबंधित, तो उससे उस कानून के तहत कार्रवाई हुई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कानून के तहत कार्रवाई हो रही है, तो कोई गलत बात नहीं है, और उसको सराहा गया। आज अमन चैन की जिंदगी है, इसी पर रामपुर और आजमगढ़ हम दोनों जीतने जा रहे हैं, कहीं कोई संशय नहीं है। आप अपनी बात तो कम से कम रखिए तरीके से आलोक वर्ष जी, इतनी बात तो यादव साहब ने आप पर इतने इतने आरोप लगा दिए और आप अपनी बात ठीक से नहीं रख पा रहे। आंकड़ों की बात कर रहे हैं आप, है डिबेट में एक्टिव, इतने इतने आंकड़े उन्होंने दिए, वो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो जो ये लॉ एंड ऑर्डर है इसमें सबसे नीचे दिख रहा है, कहीं उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, पता नहीं ये आंकड़े कहाँ से ला रहे हैं, एनसीआरबी से ला रहे हैं, आप भी देख लीजिए साइट खोलकर, आपको भी दिख जाएंगे। मैं इनकी बात को पता करूंगा जो इनके आंकड़े सही हैं या सही ये आंकड़े दे रहे थे, मेरी नजर में ये आंकड़े गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी पूरी अमन चैन है, कहीं कोई घटना दुर्घटना इतना अच्छा नहीं हो रहा है जो इनके राज में। तो कानपुर हिंसा क्या थी? कानपुर की हिंसा तो प्रायोजित थी, कराया गया था, और कानपुर हिंसा के दोषी सब पकड़े गए हैं। चलिए यादव साहब, आपको भी पता है कि प्रायोजित कराया गया, हमें नहीं पता, आपके लिए वो प्रायोजित होगी, ये मत कहिए कि आपको भी पता है, आपको पता होगा प्रायोजित है कि नहीं, वो किस तरीके की हिंसा थी ये सब जानते हैं। यादव साहब, जो लोग पकड़े गए हैं उन्होंने जो बयान दिया है उसके साथ पता है, जिस तरीके से आदरणीय राजेंद्र जी ने वीडियो की हाल ही में वीडियो शूट किया, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से, फेसबुक अकाउंट से, सोशल मीडिया से आया है, हमारे एक विधायक जो उत्तर प्रदेश में जिस जनपद में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जा रहा है और 100 करोड़ की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, और हमारे विधायक के क्षेत्र में जब वो गए चेक करने के लिए, तो अपने हाथ से अगर दीवार को ऐसे धक्का दे रहे हैं तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज दीवारें ढह जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। कृपया ये डिबेट का विषय नहीं बनी, क्यों नहीं बनी, तो मोदी मीडिया को मेरे ख्याल से डिबेट का विषय बनाने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए उन्होंने मोदी मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार इस लेवल पे है, अत्याचार इस लेवल पे है, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अराजकता है, जिस तरीके से पूरी तरीके से हत्या लूट और इन सारी बलात्कार की चीजों में बढ़ोतरी हुई है, ये एक बेहतर उत्तर प्रदेश की परिकल्पना करने की बात नहीं की जा सकती। हाँ, डिबेट में 4 लोग बैठ के उसको अच्छा बता सकते हैं, उसको बेहतर कह सकते हैं, उसको ये कह सकते हैं कि नहीं बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो ठीक है, अगर सब कुछ अच्छा है तो अच्छा है, अगर घटना को, अपराध को खुशहाली के उस पर पैमाने पे उस पर उसको तला जाएगा, तौला जाएगा, तो निश्चित तौर पर उसको अच्छा माना जाए, अपराध को अपराध न माना जाए, और अच्छाइयों को और बेहतर अच्छाइयां समझी जाए, तो इस पर उत्तर प्रदेश का नुकसान है। इसीलिए चुनी हुई सरकार से सवाल पूछने का मौका समाजवादी पार्टी रखती है, हम सत्ता में हों विपक्ष में हों हम किसी की आवाज दबाने में विश्वास नहीं रखते, अपराध को अपराध कहा जाएगा, अपराध के आंकड़ों को झुठलाया नहीं जाएगा, जनता के सामने पूरी स्पष्ट चित्र होनी चाहिए, पूरा मानचित्र होना चाहिए, कोई चीज फरार नहीं होनी चाहिए। जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, जिस घटना की आप बात कर रहे हैं ना यादव साहब, ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज की आप बात कर रहे हैं, ठीक है जी, घटना बता दूं, 11 अधिकारियों को योगी सरकार ने स्थानांतरण किया इधर से उधर, बदला गया, क्यों घूमते भ्रष्टाचार का आरोप, 100 रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप, नगर आयुक्त लखनऊ को अजय द्विवेदी को जिनपे करोड़ों अरबों रुपए का घोटाले का है, उसको आगरा का डीसी बना दिया गया था, यही सरकार चीज कर सकती है, और इतने आरोप उसके सामने, इतने कागज उसके सामने है, और उस बात को लेकर कोई भी बात नहीं करना चाहता है। ठीक है, अब यादव साहब, आप जिस इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं ना, आप ही के सपा के विधायक थे जिन्होंने जब हाथ से धक्का मारा तो इंजीनियरिंग कॉलेज की दीवार गिर गई, उसकी बात कर रहे हैं ना आप, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो इनपुट से मेरे हमारे इनपुट डिपार्टमेंट से संपर्क करिएगा, मैं वो खबर चलाई थी हमने और मैं उसका लिंक भी आपको भेज दूंगी, हम नहीं इस चीज में भेदभाव करते, हम सब चीजें दिखाते हैं, हम सब चीजें दिखाते हैं, मैं इसीलिए कह रही हूँ, आपको भी पता होना चाहिए, मैं आपको लिंक शेयर करवा दूंगी, आप देख लीजिएगा। पाठक साहब सुनिए, पाठक साहब ठीक है इस पर, पाठक साहब इस पर आप छोटा सा कमेंट दीजिएगा, उसके बाद वापस से हम चुनावों पर आएंगे। देखिए,
मैं पहले मुस्कान जी, इन्होंने एनसीआरबी के डेटा क्राइम की बात की थी। देखिए 2021 अभी जो एनसीआरबी का डेटा लेटेस्ट रिलीज हुआ था वो 2021 में रिलीज हुआ था, और उसमें जो रिपोर्ट है यूपी के बारे में उसमें कहा गया है कि शार्प डिक्लाइन हुआ है, 45% अपराध की घटनाओं में कमी हुई है यूपी में। और 2016 में जब इनकी सरकार थी तो जहां 3419 रेप की घटनाएं हुई थी, वही 2020 ये 2021 का जो डेटा है मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, वही लेटेस्ट डेटा है। 2020 में बीजेपी गवर्नमेंट में 2317 रेप की घटनाएं जो है वो घटित हुई है। तो आप मुझे बोल रहे थे कि डेटा बताइए, अब डेटा बता रहा हूँ। तो जो आपकी गवर्नमेंट थी कब रेप की घटना, बिल्कुल आ रही हूँ यादव साहब, याद है वो ज्यादा हुई थी कि बीजेपी गवर्नमेंट में। मैंने तो बताया कि जो 2021 की जो एनसीआरबी का डेटा आया था उसमें अपराध के मामले में भरे मतलब उसमें कमी आई है यूपी में, लेकिन फिर भी दूसरे नंबर पे राजा। अरुण यादव साहब आ रही हूँ आपके पास। तो आप आईना देखिए कि आपकी जब सरकार थी तो कितनी अपराध की घटनाएं होती थी, और आज जब बीजेपी है तो अपराध की घटनाओं में कमी हुई है लेकिन अपराध हो रहे हैं। तो आप किसी पे ये आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते, गोदी मीडिया और ये मीडिया वो मीडिया, जो सच्चाई है उसको स्वीकार करिए। ये एनसीआरबी का डेटा है, ये न मेरा डाटा है न एनबी चैनल का डेटा है, बड़े बड़े समाचार पत्रों ने इसको प्रकाशित कर रखा है क्योंकि ये 2021 का ही डेटा है। और दूसरी बात मुस्कान जी अभी हम उपचुनाव के लिए इकट्ठे हुए हैं, उसपे हम कर रहे हैं डिस्कशन। मैं वही कह रही हूँ, चुनावों पर वापस आते हैं जी। बीजेपी के प्रवक्ता से मुझे पूछना है, देखिए यहाँ बहुत अच्छा कर रहा है आम आदमी पार्टी को, ये दिल्ली में हराने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। देखिए उपचुनाव होता है ठीक है, बहुत जोर शोर से पार्टिसिपेट नहीं किया जाता है, लेकिन यूपी में साथ के लिए योगी जी भी आए थे ये दिनेश लाल जी के चुनाव प्रचार के लिए। तो बढ़त चल रही है, अभी वोटों की काउंटिंग हो रही है, अभी क्लियर पिक्चर नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सीट जीत लिया या बढ़त है, लेकिन वही दूसरी ओर आप ही ने अभी ब्रेकिंग चलाया पंजाब में हार रही है। तो जब इन्हीं का जो साथी था अकाली दल उनको पंजाब में हरा रहा है, तो आखिर बीजेपी को हो क्या गया है? ये लास्ट मोमेंट पे क्यों अपने कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हैं और घोषणा करते हैं? यूपी में तो ठीक है महाराज जी का जादू चलता है, दिल्ली में क्यों ये पीछे पड़ जाते हैं? और इसमें कोई दो राय नहीं है कि निरहुआ जब से अखिलेश यादव जी से हारे आजमगढ़ में बने हुए थे अखिलेश यादव जी। पाठक साहब एक सवाल है मेरा आपसे। देखिए जो लोकसभा है वहां पर समाजवादी पार्टी लगभग कमजोर रही है क्योंकि 2 सीटें जब हाथ से गई, अगर ये सीटें भी हाथ से जाती है तो वहां पर और ज्यादा कमजोर होगी समाजवादी पार्टी। जी हाँ, क्योंकि देखिए 2024 में फिर चुनाव होना है लोकसभा का, और उसके मद्देनजर ये एक महत्वपूर्ण था और ये गढ़ माना जाता था इनका, चाहे वहां से इन्होंने टिकट किसी को भी दिया हो। लेकिन अगर अखिलेश यादव में आप देखिए दिल्ली में राघव चड्ढा ने सीट खाली किया तो जो पाठक है वो दुर्गेश पाठक जो जीत रहे हैं, ये आजमगढ़ में अखिलेश यादव जी का गढ़ माना जा रहा था कि नहीं? चुनाव विधानसभा चुनाव में बताया जा रहे थे कि अखिलेश यादव वहां से लड़ेंगे, लेकिन वो कड़हल चले गए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर समाजवादी पार्टी हारती है ये 2 सीट तो उनको और भी मेहनत करनी पड़ सकती है 2024 के लिए, और बीजेपी के लिए तो ये विन विन सिचुएशन होगा क्योंकि उन्होंने तैयारी 2024 के लिए कर दी है। और अगर उनपे आरोप प्रत्यारोप लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर का तो उनको सुधार करना होगा, जितने भी उन्होंने वादे किए चुनाव में मुस्कान जी उनको 2 सालों में कुछ उन वादों पे अमल करना पड़ेगा। ठीक है पाठक, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है यूपी जो जीतेगा वही सत्ता में हासिल होता है सेंटर में, ये हम सभी जानते हैं और पूरी इस पे जोर लगा रखी है। ठीक है यादव साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उन आंकड़ों पर अपना जवाब देकर वापस चुनावों पर आते हैं। और चुनावों में मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जो ये जो गढ़ है आपके दोनों परंपरागत सीटें हैं, यहाँ से उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी कि बीजेपी को बिल्कुल भी बढ़त मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आप पासा पलटता जा रहा है, कारण क्या समझ रहे हैं?
नहीं बिल्कुल फाइनल जब तक कोई रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक की जो चुनाव है चुनाव में अप डाउन होगा। अब बीजेपी ने पूरी ताकत लगा के चुनाव लड़ा है, सत्ता का इस्तेमाल किया है। रामपुर की घटना आपको पता है कि पुलिस ने किस तरीके से जो जहाँ पे समाजवादी का वोट प्रतिशत ज्यादा पड़ना चाहिए था पड़ के हमारा रिजल्ट हमारे हिसाब से और बेहतर हो सकता था, वहाँ पे पुलिस ने क्या कार्रवाइयां की उसके वीडियो उसके फुटेज सबके सामने। तो ये साम दाम दंड भेद और केंद्र सरकार को चुनाव के लिए लगा देना ये मेरे ख्याल से बेहतर लोकतंत्र की नींव नहीं रखी मानी जाएगी। आप सरकार का काम करना है, पार्टी का काम चुनाव लड़ना है, लेकिन अगर सरकार चुनाव लड़ने लगती है राजनीति करते तो निश्चित तौर पर वो कठिन समस्याएं हो जाती है। लेकिन फिर भी हम कोई हिम्मत नहीं हारे हैं और हम जिस तरीके से रामपुर और आजमगढ़ में चुनाव लड़ना है उसमें पूरी ताकत और शिद्दत के साथ लड़ रहे हैं। बार बार एक बात कही कि निरोवर जी लगातार वहीं से धन्यवाद निरोवर जी का, उनको रहना चाहिए। और आदरणीय अखिलेश यादव जी जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जितना समय वो अपना आजमगढ़ को दे पाते हैं उन्होंने दिया, चुनाव रहा। हाँ एक चीज ये निश्चित है कि उनके पास पूरे प्रदेश की राजनीतिक समस्याएं पूरी पार्टी को चलाने की जो उनके पास समय है उन सारी चीजों को ध्यान में रखते वो करते हैं। क्या कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा जाता है तो मैं नाम लेना शुरू करूं, मोदी जी साल भर में एक आध बार आते हैं अपने विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में, साल भर में एक से दो बार आती है अपने लोकसभा क्षेत्र में, इस तरह दर्जनों ऐसे लीडर हैं जो आयोजित होकर आए हैं, उनका समय और उनका प्रतिशत वहाँ कितना रहा है ये सबको पता है, लेकिन हम इस पर डिबेट नहीं करना चाहते क्योंकि बीजेपी और बीजेपी समर्थित लोग इस बात से जरूर नरेशन बनाते हैं जिसका कोई मतलब कोई मुद्दा नहीं होता। पिछले वहाँ पे बीजेपी की सरकार थी तो आजमगढ़ की पांच योजनाएं बतानी चाहिए थी कि वो पांच कौन से बड़े काम उन्होंने आजमगढ़ के लिए किए, कौन सी बड़ी परियोजनाएं दी हैं, कौन से उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट बड़े बड़े लेके आए हैं आजमगढ़ की जनता के लिए, वो चाहे खेल का मैदान हो चाहे हॉस्पिटल हो या इस तरह के कौन से काम किए हैं, ये बात अगर इस पर बहस हो तो निश्चित तौर पर हमारे लोकतांत्रिक ढांचे का किसी सरकार का किसी विपक्ष का एक बेहतर परिणाम सामने आएगा। लेकिन ये सारी चीजें इस तरह है, निरहुआ वहां था अखिलेश जी नहीं थे, निरहुआ प्रचार करने गया अखिलेश जी नहीं गए, ये सारी बातें ला के ये निश्चित तौर पर हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मैं सवाल पूछ सकता हूँ कि चाणक्य क्यों नहीं आए आजमगढ़ में चुनाव प्रचार करने, उनके ऊपर से चाणक्य के ऊपर से राजा क्यों नहीं आए चुनाव प्रचार करने, लेकिन हम समाजवादी लोग इस तरह के अनर्गल सवालों से बहस करने में विश्वास नहीं रखते। जिसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मिलता हो और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान आके टीवी चैनल पे उसको पसारने की अगर आदत हो तो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान रख सकता है, उसके लिए उसको बधाइयां। लेकिन यादव साहब एक बात ये भी है ना कि अगर हम कहीं पर अगर हमें लगता है कि हम वहां पर काम कर रहे हैं तो जनता को वो काम बताने में क्या दिक्कत है, अगर आपने बता दिए होते तो क्या दिक्कत थी? आ रही पाठक साहब मैं एक छोटा सा कमेंट लूंगी यादव साहब से, उसके बाद वत्स साहब के पास आ जाऊंगी, उसके बाद आजमगढ़ का डेवलपमेंट समाजवादी पार्टी ने किया है, इसमें दो राय नहीं है, चाहे वहाँ रोडों का चौड़ीकरण हो चाहे चौराहों का डेवलपमेंट, ठीक है बिल्कुल है, यहाँ की ये दो सीटें तो रही है आपका गढ़ और यहाँ पर आपने काम किया भी है, ये नकारा नहीं जा सकता। जेल हो चाहे वहाँ का गन्ना मिल हो, ठीक है, किन चीजों का नाम ले लू, हम तो यूनिवर्सिटी लेके आए थे, कृषि विश्वविद्यालय लेके आए थे, उठा के गोरखपुर चला गया, ये भी तो पता होना चाहिए ना। हमें वही कह रही हूँ ना, जहाँ पर काम करेंगे वहाँ नकारेंगे नहीं, काम किया है तो नहीं नकार रहे हम। आलोक वल जी बिल्कुल, आप जो समाजवादी पार्टी ने काम किया उसको बात करेगी, आजमगढ़ में बीजेपी ने क्या किया पांच सालों में, ये बीजेपी के प्रवक्ता को और अगर उनको नहीं मालूम है तो भगत जी को बताना चाहिए जनता को कि क्या काम किया वहाँ, ठीक है, राजद का नाम मत लेना, राजद तो बढ़ रहा था, वो मन बता देना की वो काम आजमगढ़ के लिए था, ठीक है। राशन को छोड़कर बता दीजिए आलोक वल जी, यादव साहब पूछ रहे हैं आपसे कि क्या किया आजमगढ़ में आपने, और उसके बाद पाठक साहब के सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा। आजमगढ़ में अगर हमने कुछ नहीं किया यादव जी के मुताबिक तो हम वहाँ चुनाव क्यों जीत रहे हैं, इसका कोई बढ़त है अभी, बढ़त है व्हाट्सएप, बढ़त है अभी, अरे क्या मतलब जीत में तब्दील हो जाएगी, ठीक है धन्यवाद देंगे के लिए काम बता दीजिए काम। आजमगढ़ में सबसे पहला तो पूर्वांचल एक्सप्रेस, वो समाजवादी पार्टी की देन है भैया, देन है क्यों नहीं किया,
बनाया हमने। अब आप यहाँ पर सुना रहे हो पाठक जी, आपका ध्यान कम है, क्या करूँ,
नहीं जवाब दिया मेरे उस बेटा का गुंडे कहीं के ज्यादा की बढ़ोतरी हुई आंखों में गुंडा कहीं का ठीक है ठीक है पाठक साहब ठीक है। यादव साहब किसी को हैसियत दिखाने वाले आप कोई नहीं होते हैं। चैनल पर बैठकर तमीज से बात करिए, भाषा की मर्यादा में रहकर बात करिए आप। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ आपको, इस तरीके की भाषा यहाँ पर मत बताइए। हाँ तो ठीक है, आप जहाँ पर आपकी इस भाषा को बर्दाश्त किया जाए वहीं जाकर बैठिए आप जाइए, आप वहीं जाकर बैठिए, कोई जरूरत नहीं आपको यहाँ डिबेट करने की। यहाँ पर इस तरीके की बातें मत परोसिए। चलवा रहे हैं वो बुलडोजर, जिन पर कार्रवाई करनी चाहिए वो कर रहे हैं, जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए वो कर रहे हैं। ये मत कहिए व्हाट्सएप, ये मत कहिए। मैं आ रही हूँ यादव साहब, आ रही हूँ आपके पास। यादव साहब आ रही हूँ। आलोक वंश जी ये मत कहिए समाजवादी पार्टी का क्या है, वो ठीक है, बीजेपी पर भी जरा गौर कर लीजिए। आज तक नहीं चला अजय मिश्रा टेनी के घर पर बुलडोजर, अगर सभी के घर पर बुलडोजर चलता है तो अजय मिश्रा टेनी के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला, वहां पर बुलडोजर कार्रवाई में क्यों खामोश नहीं बीजेपी? ऐसे व्यक्तियों के घर पर बुलडोजर चलना लाजमी है। तो अजय मिश्रा टेनी के घर भी बुलडोजर चलना चाहिए था, किसानों को रोंदने वाले हैं वो, उनके घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए था। दोनों तरफ कार्रवाई करिए, अब जवाब नहीं होगा आपके पास, अब जवाब नहीं होगा आपके पास। अरे चुनावों पर कहाँ चले गए आप, बुलडोजर की बात हो रही है, आप चुनावों पर जा रहे हैं, चुनावों की बात होती है तो आप इधर उधर की बात करते हैं। तभी तो लोग हो रहा। आ रही हूँ यादव साहब अब आ रही हूँ आपके पास, यादव साहब आ रही हूँ आपके पास, जवाब उनसे लेने दीजिए एक बार। व्हाट्सएप सीधा सा जवाब दे दीजिए, अगर बुलडोजर कार्रवाई सब पर हो रही है तो अजय मिश्रा टेनी के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? क्या ये बीजेपी की दोहरी राजनीति नहीं? अजय मिश्रा टेनी का क्या अपराध था जो उसको बुलडोजर चलता? क्या उनके बेटे का अपराध नहीं था? क्या उनके बेटे का अपराध नहीं था? टेनी का क्या अपराध था? उसके बेटे ने अपराध किया, वो जेल में। ठीक है आपकी, आपने इसी बात पर रहिएगा। ये जो कानपुर में हिंसा हुई, ये जो इनके बेटों ने अपराध किया था, उनके माँ बाप को क्यों मिला फिर? उनके माँ बाप पर क्यों कार्रवाई हुई, क्यों उनका घर तोड़ा गया? बेटों ने ही तो की थी, आप जाकर उन्हें जेल में भेज देते ना। अब आप मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलिए, आ रही हूँ। यादव साहब आप जवाब दे दीजिए, यादव साहब आप जवाब लीजिए, आप जवाब लीजिए। एक बार जरा चेकिंग कर लीजिएगा मिश्रा साहब के घर की, पता चल जाएगा आपको भी। एक बार संपत्ति का मिलान कर लीजिएगा, संपत्तियों का मिलान कर लीजिएगा वत्स साहब, एक बार संपत्तियों का मिलान करिएगा, सब पता चलेगा। बिल्कुल, अगर अगर आप बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं तो सब पर करिए, सब पर चलेगा। तो अजय मैं वही तो पूछ रही हूँ, फिर क्यों नहीं चला उनके घर पर बुलडोजर? हाथरस के आरोपियों के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? उसकी प्रक्रिया होती है, पहले नोटिस दिया जाता है। कानपुर हिंसा के आरोपियों को तो नहीं दिया गया था कोई नोटिस? प्रयागराज की भी घटना की बात कर रहा हूँ। कानपुर में जो भी हुआ वो सब देशद्रोही लोग थे, इसलिए उनका चला। किसानों को तो अगर कोई किसानों को रोंदे तो वो आपके लिए देशहित में हो गया। किसी किसान के ऊपर बुलडोजर नहीं चला है। बुलडोजर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बुलडोजर की बात नहीं कर रही हूँ। आ रही हूँ पाठक साहब, आ रही हूँ यादव साहब, जल्दी से बात खत्म करिएगा, समय समाप्त होता जा रहा है। 30 सेकंड। मैं कह रहा हूँ कोई एक घटना हो तो छोड़ दो, प्रयागराज की घटना क्या किसी से भूली है? चंदौली में उस बहन के साथ क्या हुआ, पुलिस ने घुस के उसकी हत्या कैसे? ठीक है समय 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 समाप्त हो रहा है। ठीक है यादव साहब, जल्दी से आखिरी कमेंट रखिएगा 15 सेकंड में। मैं आ रही हूँ यादव साहब, समय समय समाप्त हो रहा है जी। यादव पाठक साहब,
मुस्कान जी, बीजेपी यूपी की सत्ता में है, अगर वहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर से समस्या आती है तो वो बीजेपी जिम्मेदार है, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो 2012 से 17 में जितना अराजकता और अपराध उठा उतना अब यूपी में नहीं है, उसमें 45% का रिडक्शन हुआ है और ये एनसीआरबी का डेटा कहता है, और जो प्रवक्ता महोदय बैठे हैं जाके अभी खोल के डेटा को पढ़ लें। ठीक है पाठक साहब, ठीक है पाठक साहब, ठीक है, समय समाप्त हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से अभी बात बुलडोजर पर आई, बात अलग अलग तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पर आई, लेकिन बात अगर फिर से उपचुनावों की करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, लेकिन जो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं वो ये बताते हैं कि पहले से ज्यादा स्थिति सुधरी है, लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं वो बेहतर तरीके से साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल चुनावों में क्या कुछ नतीजे रहने वाले हैं वो देखना होगा, क्योंकि दोनों तरफ बीजेपी आगे चल रही है समाजवादी पार्टी के गढ़ में, क्या इस बार बीजेपी सेंध लगा पाएगी या नहीं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़। नमस्कार।